ईश्वर स्वस्थ रखे, खुश रखे हमेशा। एक बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई उन्होंने जो 14 तारीख को रिलीज हो रही है, विजयपथ। सारे लोग, पूरी यूनिट खुश थी उनसे। तो ऐसे प्रोड्यूसर्स की, ऐसे लोगों की ज़रूरत है भोजपुरी में जो सबकी तकलीफ़ों को, सारे लोगों को समझते हों। इसलिए आज इतनी भीड़ इकट्ठा है उनके जन्मदिन में, और हम सब की तरफ से, पूरी विजयपथ की टीम की तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसे कि 2014 साल में आपकी मतलब जितनी फिल्में रिलीज हुई लगभग 99% उसमें आप ही थे। ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री काउंट करे कि कितनी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, तो 100 फिल्मों में मैं 42 फिल्म्स में मैं होता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि वो फिल्में सुपर हिट होती है या बड़े बैनर कि हर फिल्म में संजय पांडे है, ये ब्लेम है मुझ पर। ऐसा नहीं है, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें मैं नहीं होता हूँ। मैं तकरीबन, मैंने जब की बताया कि 42 फिल्मों में मैं होता हूँ, अगर 100 आती हैं तो वो फिल्में नोटिस होती हैं, इसलिए शायद मैं नोटिस होता हूँ, बस ये बात है। साल के शुरुआत में जैसे कि मुंबई में रिलीज हुई आपकी, और अभी 14, हाँ मुंबई में मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई दिल बहेल दीवाना, 14 को आ रही है विजयपथ, उसके बाद आ रही है हुकूमत, पटना से पाकिस्तान, बलम रसिया, और लेके आ जाए बैंड बाजा है पवन राजा, फिर उसके बाद मतलब इस साल है लगभग साथिया आ रही है मेरी खेसारी जी के साथ। बड़ी फिल्में भी हैं, उसके साथ एक मीडियम फिल्में भी हैं खेसारी के साथ, साथिया, तू मेरा हीरो, और एक फिल्म अभी मैं करने जा रहा हूँ प्रेमांशु के साथ। तो इस साल है, अच्छे प्रोजेक्ट हैं, बड़े प्रोजेक्ट हैं, और अच्छी फिल्में देखने को मिलेंगी इस साल मुझे लगता है। बात करें जैसे कि फिल्में पहले बिहार रिलीज होती हैं और बिहार से ज़्यादा रिस्पांस मिलता है, तो विजयपथ आपकी पहली भोजपुरी फिल्म होगी जो नए साल में रिलीज होने जा रही है। हाँ, बिहार में पहली मेरी फिल्म है जो विजयपथ रिलीज़ हो रही है, और इस फिल्म में हम सब ने बहुत मेहनत की है, बड़ी होप है। नए लोग हैं आदित्य और विजय वर्मा, विजय वर्मा की दो फिल्में आई हैं, बट इन दोनों हीरो जो हैं इस फिल्म के, ये मतलब पावर पैक हैं। जिस तरीके के एक हीरो की कल्पना की जाती है भोजपुरी में, कि फिजिकली और वॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस तरीके से लंबे, टॉल, हैंडसम, दोनों मतलब एक से बढ़कर एक हैं। ये अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना वाली जोड़ी है ये भोजपुरी में। बाकी ऐसे फिल्म फैक्ट्री जो कि फिल्मों के लिए कहीं कहीं एक नया आयाम लेके आई है, और शाहजहां शेख जी जिनका आज बर्थडे, उन्होंने एक कदम उठाया है भोजपुरी सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए। इस बात के लिए उनको बधाई कि वो मतलब विजयपथ की शुरुआत में वो नहीं जुड़ी थी, और ये उनकी हिम्मत है, ये इनकी मेहनत है, मतलब लेके आई है निर्मात्री शाहजहां शेख जी, जिन्होंने शुरुआत की है भोजपुरी में, एक महिला निर्मात्री आई हुई है। ये बड़े एक हौसले की बात है, और ये शाहजहां जी का हौसला है, और उनके इस दिलेरी की तारीफ करनी होगी कि मतलब डूबती जहाज को कोई हाथ नहीं लगाता, मगर ये जैसे इन्होंने जिद पाल रखी है कि मैं डूबती हुई जहाज को ही किनारे पे पहुंचाऊंगी। ये फिल्म भी इनके पास तब आई जब एक बार एक शेड्यूल बन गया था, इसका कंप्लीट हो गया था, उसके बाद सेकंड शेड्यूल शुरू हुआ, उसके बाद मेरी इनसे मुलाकात हुई, और ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो लगभग बंद हो जाती हैं अगर SS फिल्म फैक्ट्री उसको सपोर्ट नहीं करती तो। तो इस बात के लिए पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री, इस कंपनी का शाहजहां जी के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बहुत सारी ऐसी फिल्मों को सपोर्ट किया है जिनको हाथ लगाने के लिए इंडस्ट्री में कोई नहीं खड़ा हो रहा था। इसलिए मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि ये फिल्में चलें, ताकि इनका हौसला बढ़े, इनकी फैक्ट्री का एक कॉन्फिडेंस बढ़े, और आज नाम तो बहुत है इस फैक्ट्री का, इस कंपनी का, और इस बात के लिए सच में ये लोग बधाई के पात्र हैं। जी, आज सनवा जी का ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अमरीश सिंह, और सारे भोजपुरिया कलाकार और सारे भोजपुरिया समाज की तरफ से मैं एक छोटा सा उस परिवार का एक छोटा सा सदस्य, शहनवाज जी जो हमारी विजयपथ की प्रोड्यूसर हैं और SS फिल्म की प्रोप्राइटर हैं, उनके जन्मदिन पे हम सारे उपस्थित हैं, और मैं देता हूँ। और सबसे पहले मैं कहूँगा कि इस जनवरी के महीने में, जो कि आज 10 तारीख की रात है, जो कि 11 लग चुका है हमारे पल में, और ढेर सारी कहते हैं कि खुशियाँ बरसा रहे हमारे कलाकार भोजपुरी आके, मैं इतना ही कह सकूँगा कि ऐसे तहे दिल से फिल्में बनाते रहें और भोजपुरिया समाज को कुछ न कुछ ज्ञान देते रहें। जी, धन्यवाद। थैंक यू।
का जन्मदिन है, खूब सारी पार्टी चल रही है, धूमधड़ाके हो रहे, क्या कहना चाहिए? हाँ, दुनिया में इतना टेंशन है, सब लोग इतना बिजी रहते हैं, एक दूसरे के लिए समय नहीं होता है। ये मौका होता है जब एक दूसरे के लिए प्यार और दुलार लुटा सकते हैं, तो मैं तो ऐसा मौका ढूंढता हूँ। मैं थोड़ा मस्तीखोर टाइप का इंसान हूँ, और क्या है, आज के 60, 70, 80 साल के बाद सबकी कहानी ख़त्म होने वाली है, तो जब तक है हम यहाँ पर, एक दूसरे को प्यार करें। और ये कारवां चलता रहे, मैं इनके पहले बड्डी में आया हूँ, और ये सिलसिला शायद शुरू हो जाए। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं मुंबई में था तो आज मैं आ पाया, और सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी समय के बाद काफ़ी पुराने दोस्त मिले हैं, जिनके साथ ऐसा लग रहा है कि नए साल का एक, क्योंकि नया साल अभी जस्ट शुरू ही हुआ है, तो मौका नहीं मिला था किसी को फ़ोन करने का, या वो भी बिज़ी थे, हम भी बिज़ी थे, तो इसी बहाने मिलना हो गया। और हमारे बारे में अच्छा सोचती हैं, बहुत अच्छे विचार की हैं, बहुत अच्छा हमारे बारे में, सबके बारे में अच्छा सोचती हैं। मेरे घर के पास है ये जगह, मुझे आने में भी ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, बहुत अच्छा लग रहा है आकर, बहुत हम सब आनंद उठा रहे हैं यहाँ से। सुनने में आया कि बॉलीवुड के सलमान खान के बाद आप ही सोशल वर्क में जुड़ने जा रहे हैं, क्या देखिए कैसे प्लान बनाया है सब? देखिए क्या है, सोसाइटी ने अगर हमें कुछ दिया है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी सोसाइटी के लिए कुछ करें। हर चीज़ का एक समय होता है, आज अगर ये जो भी मेरे पास ताकत है, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ या मैं किसी को सिखा सकता हूँ, मेरे हाथ में आपको बता दूँ, मेरे माँ बाप से मुझे एक पैसा नहीं मिला, लेकिन कलम हाथ में मिल गया, उस कलम के हिसाब से, वो कलम मेरे हाथ में थी तो मैं यहाँ तक पहुँच पाया। जैसे आप पत्रकार लोग हैं, आपके हाथ में कलम है तो आप हर चीज़ कर पा रहे हैं, उसी कलम के हिसाब से मैं इंजीनियरिंग किया, मैं एक्टर बन पाया, और आज मैं बॉलीवुड में भी आ रहा हूँ। मुझे जो दर्शक प्यार दुलार आशीर्वाद दिए हैं, वही मुझे हिंदी में भी चाहिए, और दर्शकों के लिए मैं सात समंदर पार छोड़ कर आया हूँ। जो भी चाहेंगे, जो भी मेरे से बन सकेगा, ये तो शुरुआत है, मैं बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ, लेकिन जितना भी हो सकता है, जितना हूँ, जो मेरे बस में है वो करूँगा हमेशा। सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सर।